few moments later. हेलो माय लवलीज, कैसे हैं आप सब? गाइस, आपको मेरे नेल्स कुछ ज्यादा बड़े लग रहे होंगे ना, डरावने डरावने। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ। सो आज हम करने वाले हैं 24 आवर्स लिविंग विद नो एक्सटेंशन नेल्स। सो यहाँ पे मैंने इतने बड़े वाले लंबे वाले नेल्स कराए हैं, नॉर्मली इतना कोई कराता नहीं है। सो ये मैं भी करा के आई हूँ जस्ट। सो मैंने पहले की वीडियो ऑलरेडी शूट करी है, वो मैं आगे लगाऊंगी। सो आज हम 24 आवर्स इन्हीं के साथ रहने वाले हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज होगी इन्हीं के साथ करेंगे। अभी मजा आएगा ना। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अभी जब से मैंने ये काम कराया है ना, उसके बाद मुझे फोन पकड़ने वगैरह में सब में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। लाइक कुछ भी प्रॉपरली हो नहीं पा रहा। एंड ये एक्रेलिक वाले हैं, अगर मतलब प्रेशर भी पड़ा तो रियल वाले भी निकल के आ सकते हैं, तुमसे ना हो पाएगा। बट फिर भी सो ये कह रहे हैं, तो सबसे पहले आप वीडियो देख लो मैंने कहाँ से नेल एक्सटेंशन कराए और कैसे नेल एक्सटेंशन हमने करे हैं। सो पहले वो देखते हैं, फिर हम चैलेंज स्टार्ट करते हैं। 2000 years later. सो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, बिल्कुल सामने है एंड यू कैन सी। सो ये हमारा पार्लर जो भी हमें जाना है, एंड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है इस टाइम। और तन्नू अभी वहीं खड़ी हुई है ब्लॉगिंग के लिए, एंड उसके भी नेल एक्सटेंशन होंगे। तो ये हमारा पार्लर है, ये ग्रीन प्रोफेशनल सलून अकेडमी है, इसमें ही नेल एक्सटेंशन हम कराएंगे। सो अभी मैं अपने नेल एक्सटेंशन ही कराने जा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, एंड लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। एंड नेल एक्सटेंशन के बाद पता नहीं क्या होगा, लोग लिटरली पता नहीं कैसे अजीब से देख रहे हैं। वो ये कि यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रेंड है नहीं ब्लॉगिंग का, तो इसलिए सभी हम अंदर चलते हैं। One eternity later. So finally nail extension done हो गए, इतने बड़े बड़े मैंने कराए हैं। अब देखते हैं पूरे दिन कैसे सर्वाइव होता है। फाइनली इतनी देर के बाद हम घर जा रहे हैं, एंड ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स लग गए नेल एक्सटेंशन में। पहले तनु ने कराए एंड उसके बाद मैंने कराए, एंड काफी बड़े हैं, प्रीटी बहुत ज्यादा लग रहे हैं मुझे ये वाला कलर। सो अब मुझे कार खोलनी पड़ेगी एंड वो देखते हैं। निकल तो आराम से गया, डर नहीं रहा था। सो मैं भी नेल एक्सटेंशन करा के वापस आ गई, बहुत अच्छी हवा चल रही है बाहर। सो मैं भी ये टेबल लगा रही हूँ, क्योंकि अभी हम खाना खाएंगे। सो मैं प्रॉपरली बाहर से ही खाना लेके आई हूँ। मुझे लग रहा है मुझे ऊपर ही बैठना पड़ेगा, अदरवाइज तुम लोगों को शो ही नहीं होगा, करने में भी दिक्कत हो रही है। सबेरे सबेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? ये नहीं खाया जाएगा क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं आ रहा। दूसरी वाली डिश ट्राई करते हैं।
सो ये मेरे पास ना चाट है, दही बल्ले और वो टिक्की वाली होती है। हाथ में दर्द हो रहा है, मेरी एक्सटेंशन मुड़ गया। तो प्रॉपरली जैसे हम स्पून पकड़ते हैं ना, वैसा तो हो नहीं रहा है। मम्मी आधा ही खिलाना, मैं भी खाऊंगा। छोटी सी बच्चा है, मम्मी नहीं खाया ऊपर। छोटे फोन आ रही है, ये भी तेन दर्द हो गया। किसी भरोसे वाले का भला हो, इसने फोड़ करके दिया। कौन चला गया अंदर? खाना बाद में जाओ, पहले कौन जा रहा है? हाँ। 2000 years later. So guys, nail extension के बाद मैंने थोड़ी देर का नैप लिया था। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी एंड अभी रात के 9 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। बट इनकी वजह से मैं कुछ भी नहीं खा पा रही, कुछ भी कुछ पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। जो बाइट वाली चीज़ है सिर्फ जो स्पून से खा सकते हैं वो खा सकते हैं, एंड इस टाइम घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं स्पून से खा सकूं। और आज अनफॉर्चुनेटली चावल भी नहीं बनेगा जो मैं चम्मच से खा सकती, बट उससे पहले मुझे अपना मेकअप रिमूव करना है। एंड बहुत बुरी हालत हो रही है, सुबह से मैं जैसी थी वैसी हूँ। सो मैं अभी अपने वेट वाइप से मेकअप रिमूव करूँगा और ये इससे फिर डिफिकल्टी कर रहे हैं। Few moments later. Finally, बहुत मेहनतों के बाद एक हमारा वेट वाइप निकल के आ गया और मुझे इससे वाइप करना है। Guys, ये वो जो स्टिक ऑन वाले होते हैं ना, ये वो वाले नहीं है। रियल जो नेल एक्सटेंशन होती है ना, प्रॉपर असली वाली, ये वो है। एंड बहुत मुश्किल सर्वाइव करना पड़ रहा है इनके साथ काम करना, इज सो डिफिकल्ट। एंड अभी तो मुझे इससे फेस वॉश भी करना है, हेयर टाई भी करने हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे इसके साथ करनी है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हल्का हंस। वैसे ये मेरा फर्स्ट टाइम का नेल एक्सटेंशन था जो मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में अब तक कराया है। इससे पहले मैंने कभी भी नेल एक्सटेंशन नहीं कराया। एंड नेल एक्सटेंशन भी सबसे बड़े वाले करा लिए मैंने जो वहाँ पर अवेलेबल थे। कुछ पूछा मैंने कुछ। ये ना वैसे एक एक्सटेंशन था, उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा लग रहा है ना, उसने दोबारा दो नेल्स को लगाया है। सो दो भी कैसे लग रहा है, सो दो नेल्स को उन्होंने लगाया है, फिर जाके ये मेरे थोड़े से नेल्स बने लॉन्ग। अदरवाइज हमारे जो भी पूरी सिटी है इसमें इतने बड़े नेल एक्सटेंशन है ही नहीं किसी के पास, या फिर जो नॉर्मल हमारा साइज आता है उससे बड़ा था ही नहीं। तो इसको कराने के लिए मुझे दो जो नेल्स थे उनको स्टिक ऑन करवाना पड़ा एंड देन मैंने इसे अप्लाई करा। 2000 years later. थोड़ा सो गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था डिनर टाइम पे, सो डिनर टाइम पे मैंने देखा भी मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा खाने के लिए। सो मेरे पास ये कप नूडल्स पड़े थे जो मैं एक और चैलेंज के लिए लेके आई थी। सो ये है कप नूडल्स वेजी मंचाओ स्पाइसी वेजिटेबल फ्लेवर। सो ये इंस्टेंट कप नूडल्स हैं। सो ये मैं बनाने वाली हूँ क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ पानी बॉईल करना पड़ता है, तो मुझे किसी बर्तन की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। सो अब इसी में सिर्फ मैं जो गर्म पानी आता है वही डाल के काम चला लूँगी, बट इसको मुझे खोलने में लग रहा है कि प्रॉब्लम होगी। Oh.
स्ट्रेचिंग होने में से। One eternity later. देखने में तो ठीक लग रहा है। इसके साथ आया है ये स्पून। सो एक बार मैं इसमें गर्म पानी डाल देती हूँ, उसके बाद टेस्ट करते हैं कि ये कैसा है। A few moments later. So guys, finally. बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है एंड मैंने इसमें गर्म पानी डाल लिया। मुझे ही पता है कि मैंने कितनी डिफ़िकल्टी के साथ इसमें पानी डाला है, क्योंकि ना तो लाइटर से गैस जल रही, ना वो स्विच जो मोड होता है वो घूम रहा, ना इसमें पानी स्ट्रेन हो रहा। सो अभी इसको 3-4 मिनट में छोड़ देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और इससे पहले मैंने फेस वॉश करा है, नॉर्मली पानी से कर लिया, कुछ नहीं लगाया। एंड अब मैं लिप बाम लगा रही हूँ क्योंकि लिप्स बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड लग रहे हैं। सुबह से मैंने जो वो लगाया था वही है, बट मैं ये लिप बाम लगाऊं कैसे यार, इसी से ले लेते हैं। टेस्ट कर लेते हैं, क्या पता ये हुए नहीं हुए। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है एंड मैं इनसे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ। मुझे मतलब अब ये देखे ही नहीं जा रहे हैं, बहुत डिफिकल्टी हो रही है इनके साथ। सही कहा है किसी ने, बड़े नौकरों के साथ ना कुछ भी काम नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ खुजली के काम आ रही है मेरे को, क्योंकि गर्मी में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। उसके अलावा ये मेरा कोई काम नहीं कर रहे। फाइनली इट्स स्लीपिंग टाइम एंड मैं अपना फ़ोन चला रही हूँ एज यूजुअल। डिफ़िकल्टी क्या आ रही है, फिंगरप्रिंट लगाने में। मेरा फिंगरप्रिंट आगे की तरफ होता है, सो यहाँ पर यू कैन सी पीछे नहीं होता है। रियलमी नहीं सॉरी मुँह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हो। Xiaomi MIA3 हाँ, इसमें आगे फिंगरप्रिंट है एंड आगे मेरा फिंगरप्रिंट ही नहीं है। सो अब मैं सिर्फ अपनी YouTube ही चला सकती हूँ या फिर जो भी ऐप ऐसा जिसमें मैंने फिंगरप्रिंट नहीं लगाई है, अदरवाइज बहुत डिफिकल्टी हो रही है। मैसेज तो चला ही सकती हूँ गाइस, मुझे अपना फोन ऐसे चलाना पड़ रहा है। देखते फेस लोग काम करता नहीं करता। चैलेंज कंप्लीट होता है। आई होप आपको देख के बहुत अच्छा लगा हो, आपको बहुत अच्छा एंजॉयमेंट फील हुआ हो। इसी तरह के और सारे चैलेंज देखने के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन है उसे क्लिक कर दो एंड इस मेहनत को भी प्लीज एक लाइक जरूर करके देना। सो आज की वीडियो का टारगेट रखते हैं 50 लाइक, प्लीज 50 लाइक जरूर कर देना। सो इसी के साथ नए वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बड़े नेल्स वाले लेके जाओ।